रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार अलविदा की नमाज के रूप में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सरकार के निर्देश के बाद राजधानी के तमाम मस्जिदों पर शांति व्यवस्था के तहत नमाज अदा की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं किले वाली मस्जिद के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग नमाज अदा करके बाहर जा रहे हैं। सरकार का आदेश था कि कोई भी मस्जिद के बाहर नमाज अदा नहीं करेगा, तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन है, जिस तरह से सरकार के निर्देश है, उसका साफ तौर पर इन लोगों में पालन किया जाएगा। लोग ऐसे जानते हैं मैं रमज़ान को 1442 सालों से लगभग अपना रहा हूँ और आज के दिन दुनिया के हर मोमिन और हर मुल्क में शांति के लिए हमारे उम्मा इकराम दुआ करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि एक विशेष वर्ग को नीचा दिखाने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं, हम आपके आदेशों को, आपके शासन को मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन दिल में एक कसक छोड़ के जाते हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या हमारे सैनिकों को, मुस्लिम ने जो जिहाद की, पाकिस्तान को हराया, वीर अलमोइन और सब जैसों ने, इन पर क्या आप काली पोत रहे हैं? जो शहरों के नाम बदल रहे हैं, ये मुसलमानों को क्या तमाचा मार रहे हैं? हम तो संयम बरत रहे हैं और संयम बरत रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है इन्हें ले लाए माए साहब, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन ये बीच के पढ़े लिखों को, तमाम मीडिया बीच के पढ़े लिखे लोगों को ले आगे ले आती है और उसमें अपनी वाहवाही करा लेती है। सही, तो ये सरकार का जो आदेश है, इसका तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी वो किया है कि ये सही आदेश है इनका, और आप उससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आदेश तो कहूँगा ही सही है, आदेश अगर कहेंगे नहीं सही तो आगे माहौल कैसे शांत होगा? माहौल खराब करने वालों के लिए शासन ने क्या आदेश किया है? हम शासन के खराब आदेश, अच्छे आदेशों को दिल से स्वीकार कर रहे हैं कौम के लिए, और कौम हमारी कितना सब्र करती है, जो आप कह रहे हैं वो कर रही है, उसके बाद कौम को आप कैसे अदा कर रहे हैं ये बताएं। यहाँ पर कौम और अन्य चीजों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शांति व्यवस्था और नमाज को लेकर जो सरकार का आदेश है, क्योंकि पहले जो नमाज अदा की जाती थी वो सड़क पर भी होती थी, तो तमाम तरह का ट्रैफिक उसको देखते हुए ये आदेश दिया गया, तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं? मैं इसका स्वागत करूंगा, उस स्वागत के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सबके लिए साथ चले। अगर हमारे यहाँ बंद है, हम उसको कबूल करते हैं, हमारे नमाजी अगर नहीं आ पाते हैं तो भी हमें कबूल है, लेकिन दूसरों के लिए भी वैसे ही आदेश हों। हमारी मस्जिदों से मैक उतर चुके हैं, मंदिरों से नहीं उतरे, मंदिरों से आप अभी चलिए नदवे के बगल डाल में देख के आते हैं, अभी वहाँ मेरी नजर पड़ी, वहाँ भी लगे हैं और तमाम मंदिरों में लगे हैं। आप आदेश करें, सबको बराबर करें, घर का मुखिया जो होता है वो सबके लिए बाप होता है, अगर बाप बन के आ रहे हैं तो सारे आदेश कबूल है, वरना एक दिल में कसक है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर नाराजगी है? मेरी लाउड स्पीकर को लेके भी नाराजगी नहीं, वो भी मैं कबूल कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? हेलो, क्या कहना चाहिए? जो सरकार का आदेश है कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी, हालांकि आप अपने नमाज अदा की, और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था कहीं भी बाधित नहीं हुई, लगातार ट्रैफिक चल रहा है, तो इस आदेश को आप कैसे देखेंगे? इस आदेश को इस तरह से सबको देखना चाहिए, किसी को कोई बाधा ना आवे। देखिए, सबके धर्म है, धर्म कभी जो है किसी से नफरत या आपस में बैर रखने नहीं सिखाता, ठीक है। और जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है, लाउड स्पीकर वो चीज राजनीतिक लाभ के लिए उसको नहीं यूज किया, पहला ठीक है, यही है हमारा। धन्यवाद। तो ये कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है कि इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो भेदभाव के तहत ये काम कर रही है। राजधानी लखनऊ से एनडीटी ऑनलाइन के लिए।